दोस्तों, वैसे अभी तक तो हम सब समझ चुके हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव कितनी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। कोरोना का जो नया पॉजिटिव केस है वो दिन भर में 1,15,000 आया, जो कि पिछले एक साल में हमने कोरोना का इतना नया केस एक दिन में नहीं देखा। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी जो सेकेंड वेव है वो कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम सबको इसके बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल में जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रही हैं और जनता के बारे में नहीं सोच रही हैं, वो लोग कैसे अपनी भीड़ दिखाने के लिए कैसे भी इंतजाम करके वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ और जगह और प्रदेशों में देखा जाए जहाँ पर इलेक्शन नहीं है, वहाँ पर पुलिस किस तरह से आम नागरिकों को प्रताड़ित कर रही है कोरोना के इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए। तो अगर ये देखा जाए तो दोनों तरफ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। कहीं पर आम जनता को कोरोना प्रोटोकॉल्स फॉलो कराने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और कहीं पर नेता अपने मनमानी ढंग से चुनाव प्रचार करने के लिए कोरोना के प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी असल में जिसके कंधे पर है, उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि कोरोना काल में चुनावी रैलियों पर इस तरह से भीड़ इकट्ठा करना और बिना मास्क के उनको एक बार भी ये ना कहना कि आप मास्क लगाइए या फिर कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए, कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है, तो उनका जवाब कुछ इस तरह से रहता है। दो आप रैलीज करेंगे, रोड शोज करेंगे, बाकी पार्टियां भी कर रही हैं और कोविड का जो महामारी बना हुआ है इस बार भयानक है। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रीथिंक करना चाहिए अपना पॉलिटिकल कैंपेनिंग स्ट्रेटजी? नहीं तो साधारण लोग तो एकदम मर जाएंगे और वैक्सीन भी कम पड़ रहे हैं। देखिए, पहले तो वैक्सीन कम पड़ रहे हैं ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक पॉलिटिकल कैंपेन का सवाल है, ये चुनाव आयोग को तय करना है कि इलेक्शन कब कराना है और कैसे कराना है। वो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कह सकती, तय कर सकती। हमारा सुझाव मांगा जाता है, निर्णय चुनाव आयोग करता है। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि देश के गृह मंत्री का जवाब इस तरह से जब हो सकता है कि कोरोना की जिम्मेदारी हमारे सर पर नहीं है, अभी चुनाव आयोग को ये निर्णय करना पड़ेगा कि कोरोना को कैसे क्या करना है और चुनावी जो व्यवस्था है उसको कैसे मैनेज करना है इस कोरोना के पैंडेमिक टाइम पे। तो हम लोगों को ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर जो जिन लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी है देश में कोरोना को कंट्रोल करने की और जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि कैसे हम लोगों को इस पैंडेमिक टाइम में भी इलेक्शन को करवाना है, वो सीधा अपनी जिम्मेदारी दूसरों के कंधे पर यानी इलेक्शन कमीशन के कंधे पर थोप रहे हैं। इस पर एक्शन लेते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उन्होंने कहा है कि नेताओं को अगर मास्क नहीं लगाएंगे अगर वो लोग, तो उनकी रैलियों पर रोक लगा दिया जाएगा। द क्विंट में एक खबर छपी है। इस खबर के हिसाब से दोस्तों, चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन को गंभीरता से नहीं लेने पर राजनीतिक दलों को कड़े शब्द में हिदायत दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव में बाकी चरणों के दौरान सावधानियों का पालन नहीं किया गया तो वो रैलियों और बैठकों पर रोक लगाने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को एक पत्र भेजा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि यह देखने में आया है कि चुनावी बैठकों, प्रचार के दौरान कोरोना को लेकर जारी किए गए केंद्र सरकार के नियमों और निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के मास्क नहीं पहनने और रैलियों में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का हवाला दिया है। चुनाव आयोग ने आगे लिखा है कि आयोग गाइडलाइन के पालन करने में ढिलाई पर गंभीर है, विशेष रूप से मंच पर राजनीतिक नेताओं द्वारा मास्क नहीं पहने जाने और ऐसी स्थिति में सुधार नहीं होने पर रैलियों के आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। आगे होता क्या है हम लोगों को देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियों पर रोक लगा सकता है अगर उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया तो। आगे चुनाव आयोग ने कहा कि हालिया हफ्ते में देखा गया है कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आयोग के ध्यान में आया है कि चुनावी बैठकों, प्रचार के दौरान निर्देशकों
कि अवहेलना करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने के नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को जनसभा के आयोजन के दौरान आने वाले लोगों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग और बाकी निर्देशकों का पालन सुनिश्चित कराना होगा। इन निर्देशकों का पालन नहीं किए जाने पर आयोग उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 51 से 60 तक दिए प्रावधानों और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगा। तो दोस्तों, अभी हम लोगों को ये बात समझना बहुत ही आवश्यक है कि कोरोना की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन के कंधे पर थोप दिया है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाई है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी स्टार प्रचारक या कोई भी राजनीतिक दल अगर कोरोना के गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी सभाएं रद्द की जा सकती हैं और उनकी सभाओं पर रोक लगाया जा सकता है, उनकी रैलियों पर रोक लगाया जा सकता है। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की रैलियों पर रोक लगा सकता है या फिर ममता बनर्जी की रैलियों पर रोक लगा सकता है। फिलहाल आप लोगों से अनुरोध है कि कोरोना के गाइडलाइंस का, उनके प्रोटोकॉल्स का आप लोग बहुत ही ध्यान से फॉलो करें और किसी भी नियम का उल्लंघन ना करें। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।